press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये पूरा देश इस्लाम के ऊपर चल रहा है, क्या इस्लाम में ये सब लिखा हुआ है आरजू जी? नहीं, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये इनके अपने दिमागों की चीज है और कुछ भी नहीं है। इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं बताता, ना इस्लाम कोई ऐसा रेप करने को कहता है, ना इस्लाम ने कोई ऐसे ड्रेसिंग का कोई कोड रखा हुआ है कि ये नहीं पहनो और बाहर ना निकलो। क्यों करते हैं ये लोग? क्यों, मतलब आपको क्यों लगता है कि ये लोग इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं या देश को बर्बाद कर रहे हैं या पूरा ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रहे हैं? ये देश को भी बर्बाद कर रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी को भी बर्बाद कर रहे हैं, और बिल्कुल ये इंसान भी नहीं कहला, मैं नहीं समझती कि इनको इंसान भी कहना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ये इसी तरह से ये चाह रहे हैं कि बस वो जाहिलों के जैसे लोग हों, और ना कोई एजुकेशन हो, ना कोई फीमेल्स आगे बढ़ें, और दे जस्ट यू नो हैव अ आइडिया कि बस ठीक है अगर कोई फीमेल है तो शी इज़ ओनली फॉर देयर एंटरटेनमेंट, बस उसी के लिए है, उसके लिए ना ये कोई एज देखते हैं, ना ये कोई अपने आप को देखते हैं, ना कुछ। अभी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान जो एक रिलीजियस पार्टी के हेड हैं, उनकी पार्टी के एक आदमी ने जो आई थिंक 64 ईयर्स ओल्ड नाउ, और उसने एक 14 ईयर्स की बच्ची के साथ शादी की है। एंड ही सेड, जब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो ही सेड के जी अभी मैं रुखसती तो जो है वो मेरी पता नहीं 3 साल या 4 साल के बाद होगी, वॉट एवर, 3 साल हो 4 साल हो या 10 साल हो, फिर भी वो एज डिफरेंस तो है कितना ज़्यादा। तो ये यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है, और सब लोग जो है वो फौरन ही रिलीजन को लेकर आ जाते हैं। अगर आप कोई बात करें तो फौरन ही कहेंगे तो कंट्री के खिलाफ बात कर रही है, अभी आपका शो जाएगा तो बोलेंगे ये तो कंट्री के अगेंस्ट बोल रही थी, लेकिन उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, उस चीज़ को ठीक कर लें ताकि मेरे जैसे लोगों के पास बोलने के लिए कुछ हो ही नहीं। अगर आप वो सारी आपकी जो भी फॉल्ट्स हैं उनको अगर आप ठीक कर लेंगे तो फिर मैं नहीं बोल पाऊंगी ना, मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें हैं, बिकॉज मैं फेस कर रही हूँ। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो मतलब बच्चियाँ, क्या बच्चे तक यहाँ पे सेफ नहीं है? जो छोटे बॉयज़ होते हैं उनको मदरसे में क्या करते हैं ये लोग, और उनको बाहर किस तरह से ले जाते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक 4-5 days बैक ट्विटर पे भी था, एक बच्चे को एक मौलवी ने जो था इस तरह से रेप करके मार दिया था, उसको जान से ही मार दिया था। क्या हम सिखा रहे हैं? उस बच्चे ने क्या किया था? उस बच्चे ने कोई वो पहन रखा था, कोई स्कर्ट पहन रखा था। दूसरा, यहाँ पे ये चीज़ भी सब लोगों को पता है कि यहाँ तो जो डेड बॉडीज होती हैं उनको ग्रेवयार्ड में जाके अगर किसी फीमेल की है तो ये वहां से निकाल के रेप करते हैं, तो वो क्या है ये बताएं ना, दे हैव टू टेल मी कि क्या चीज़ है ये क्यों नहीं इसको रोक पा रहे, ये क्यों नहीं इसको ठीक कर पा रहे। और जब उसके बाद जब ये सब कुछ होता है तो फिर हेड ऑफ द स्टेट आके कहता है कि जी ड्रेसिंग की वजह से, अगर ड्रेसिंग की वजह से तो फिर वो जो लड़की या फीमेल जिसकी डेथ हो गई है उसको आप कब्र से क्यों निकाल रहे हैं, उसने क्या पहना हुआ था ऐसा, उसने तो कफन ही पहना होगा ना, शी मस्ट बी यू नो कवर्ड विद कफिन, तो वो तो आपने फिर क्यों उसको इस तरह किया। तो ये चीज है यहाँ पे, और नुपुर बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो मैं कब तक बोल पाऊंगी, लेकिन ये कि मैं बोलूंगी जब तक भी है, आई विल स्पीक अबाउट इट। यस, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कब्र से निकल के वो रेप करे। माय गॉड, ये केसेस भी हुए हैं, ये तो मतलब This is totally inhuman. ये लोग human तो है ही नहीं है, पूरी तरह animal हो गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो आरजू जी कितने लोग हैं आपकी तरह, कौन इसे protest क्यों नहीं हो रहा है देश में? प्रोटेस्ट होता है, और आपने देखा होगा women march भी होता है, और उसके ऊपर भी फिर बातें बनाते हैं, उसके ऊपर भी कहते हैं, उनको भी तरह तरह के गलत नाम देते हैं उन वुमेन्स को जो ये वुमेन मार्च करती हैं फॉर द राइट ऑफ द वुमेन, के उनकी बॉडी है वो अगर कोई बच्चे पैदा करना चाहती हैं तो करें, नहीं चाहती तो ना करें, जो मर्जी पहने, जैसे मर्जी जॉब करें, जहाँ पे मर्जी वो रहें, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें जब बात होती है एजुकेशन में, बिल्कुल बच्चों का राइट है, गर्ल्स का एजुकेशन के ऊपर बात करती हैं, मेन चीज़ों की बात हो रही होती है ना, गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन्स राइट, एंड यू नो के वो जॉब्स के लिए उनकी उनकी प्रोटेक्शन की बात हो रही होती है,
तो उस पे सब उनको फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, उनको कुछ भी बोलेंगे, ये एजेंट्स हैं, ये इंडियन एजेंट्स हैं या कुछ भी हैं। और फिर आपको पता है, फिर इस तरह से फिर उनको वो बहुत कम है वैसे, वो जो नंबर ऑफ वुमेन है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेंगी लेकिन है, और वो बात वो कर लोग रही है, डर जाते हैं। डर जाते हैं ना वो लोग, डर जाते हैं उनके ऊपर फिर हर तरह की, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे भी अटैक किया जाता है और वैसे भी, तो फिर वो उनमें से एक दो तो बाहर भी चली जाती हैं फिर, जिसको होता है तो यहाँ से। लेकिन मैं कहती हूँ क्यों कोई बाहर जाए, इवन आई माई सेल्फ आई विल नेवर गो आउट, मैं इधर ही रहूंगी और यहीं पर बोलती रहूंगी, और फिर मैं देखती हूँ क्या करते हैं ये लोग। बहुत गट्स है आप में आरजू जी, मतलब सचमुच इतने अच्छी तरह से पूरे सिस्टम को सामने रखना कि क्या क्या हो रहा है सिस्टम में पूरे पाकिस्तान में, और लोगों को बोलना। और मैं सचमुच आई होप कि ये सब लोग सुने, जो बाहर के लोग हैं सचमुच सुने कि सचमुच क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि दिस इज द शो अबाउट वुमेन। एंड अगर ये सब हो रहा है कि कब्र से उठा के, एंड जैसे आपने बोला बोला कि एक बच्ची 14 ईयर्स और 62 के साथ शादी हो रहा है उनके, एक्चुअली लीगल एज क्या है वहां पे शादी करने का? 18 18 है, तो मतलब उसके ग्रैंड डॉटर हो गए 14 ईयर, एग्जैक्टली। राइट? और मतलब इतने, अगर इतना हालत खराब है, मुझे लगता है कि पीपल शुड इंटरफेयर, अगर इवन आउटसाइड फोर्स आल्सो, दोज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, दे शुड फ्रॉम आउटसाइड आल्सो दे शुड सपोर्ट पीपल लाइक यू, पीपल लाइक हुएवर इज क्रिटिसाइज, नॉट आई वुड नॉट से क्रिटिसाइजिंग, हुएवर इज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट द सिस्टम, राइट? तो आरजू जी, मैं चाहती हूँ कि आपको रियली गॉड गिव्स यू लॉट्स ऑफ पावर, आप ऐसे ही करती रहे। और मुझे सचमुच पता नहीं था ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, और आपने जो बोला मेरा तो मतलब गूज बम्प होने लगे कि सचमुच ऐसा होता है। और देखिए कितना अच्छा संस्कृति था हमारा, एक जिस देश से हड़प्पा मोहनजोदड़ो हुआ है आपके, एक्चुअली जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट ही सिविलाइजेशन है, वहां पे आज क्या हो रहा है ना आज? और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे नहीं पता कि ये जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कोई रिलीजियस पार्टी भी जो है वो हमारे यहाँ से जीतती नहीं है, किसी को कोई सीट नहीं मिलती। बट स्टिल आई एम जस्ट सरप्राइज कि कैसे ये इन मुल्लाओं के कंट्रोल में है, और कैसे, वाई वाई दे आर इन देयर कंट्रोल एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक पाकिस्तान प्रोग्रेसिव। क्यों हम थोड़े से डेवलपमेंट कंट्रीज की तरह क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज और दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं, इजिप्ट भी है, यूएई भी है, तो क्यों नहीं हम वैसे रह सकते? क्यों नहीं हम कुछ भी है जो हमारा दिल करे हम पहने? क्यों हमें प्रोटेक्शन नहीं है? क्यों बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है? क्यों चाइल्ड अब्यूज बढ़ता जा रहा है? इसके ऊपर ना कोई रिपोर्ट बन रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि चाहे आज बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत, हम सभी एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर इसको पूरे अखंड भारत के हिस्सा है, और हमारे ही पूर्वज, जो हमारे जो एंसेस्टर थे, उन्हीं ने लिखा है वेदा, जब और जब 5,000 to 10,000 years ago हमारे जो लोपामुद्रा गार्गी, वो लोग तभी वॉर पे जाते थे, ये आज की बात नहीं बोल रही हूँ, उसी उसके ही हम आज आज जो है वही हमारे पूर्वज थे। चाहे आप आज हम डिफरेंट कंट्री हो जाए, तो तब से लेके आज अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो मुझे बहुत खराब लग रहा है कि सचमुच अगर ये हालत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है कि यूथ को स्पेशली दे शुड वेक अप, है ना अर्जुन जी? यूथ ही एक देश को आगे ले जा सकते हैं। तो आज एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट, कि आज के यूथ का स्पेशली मैन, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये सब होता है? देखिए, यूथ भी तो वहीं से आ रही है ना, उसी ओल्ड जनरेशन में से आ रही है, तो मेजोरिटी यूथ को तो मैं इसी तरह से देखती हूँ, उनकी यही सोच है, उनकी इसी तरह के माइंडसेट है।
वो इसी तरह से रिलीजियस बहुत ज़्यादा उस पर बात कर रहे होते हैं। बट अगेन मैं कहूँगी कि कुछ परसेंटेज अभी भी ऐसी है जो ठीक सोचते हैं और जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचते हैं, और लेकिन यहाँ पे बहुत एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इसी तरह से जो है वो चेंज किया जा सकता है, जो बहुत मुश्किल काम है लेकिन कोशिश की जा सकती है कि लोगों को जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही जो है वो आगे बढ़ने को दें। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने ये भी मुझे डॉक्टर परवेज हूद भाई ने बताया था कि अब इन्होंने ये शर्त भी रख दी है कि जी वो कुरान पढ़ा होना चाहिए अगर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, इस तरह से जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये चीज़ भी इन्होंने रख दी है। तो ये हर चीज़ में रिलीजन क्यों लेकर आ रहे हैं? आपने अगर कोई साइंटिस्ट बनाना है, आपने कोई पायलट तैयार करना है, तो फिर आप हर चीज़ में रिलीजन लेके क्यों आ जाते हैं? हर जगह आप कुरान क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको फिर आप बाइबल और गीता भी पढ़ाएं, लेकिन नहीं, वो उस चीज़ के ऊपर बात नहीं होती है। तो जब आप हर जगह पे आपको जो है वो कुरान का हाफिज ही चाहिए होगा, तो फिर तो वो इसी तरह के लोग निकलेंगे ना, जो कहते हैं कि नहीं, ये वाला मेरा इस्लाम है और वो वाला तुम्हारा इस्लाम है। फिर ये शिया सुन्नी और ये सारे झगड़े यहाँ पे शुरू होते हैं, हर चीज़ में मार काट, छोटे छोटे बच्चों को आपने वीडियो देखी होगी ट्विटर के ऊपर, कोई तलवार लेके खड़ा हुआ है, कोई चाकू लेके खड़ा हुआ है। यू नो दिस इज दिस ऑल आर वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी 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 डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग एग्जैक्टली। जो इनोसेंस है वो इनोसेंस वो लोग खो देते हैं पूरी तरह, बच्चे जो चाइल्डहुड ही नहीं होते हैं उनके, शुरू से ही उसके एक ही शब्द होता है जिहाद। तो एक्चुअली बहुत कुछ मुझे जानने को मिला आज, आप जानने के नहीं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, जानने को मिला। अगर ये सब नहीं मतलब नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, एंड स्पेशली वुमेन का कंडीशन इतने खराब है। तो व्यूअर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, जो भी बाद में भी देखेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चंस हो आरजू जी के लिए, आप प्लीज लिखिए। और मुझे लगता है कि आपका तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग क्योंकि आरजू जी को आप लोग जानते हैं, और हम फिर से आरजू जी को ले आएंगे उसी क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि शी इज वेरी नाइस लेडी, काइंड लेडी, एंड शी विल डेफिनेटली कम अगेन। एंड टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आरजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।